गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा उज्जवल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी सेकंड ईयर में इंटरनेशनल लॉ टॉपिक है कॉन्ट्रोबैंड विनिषेध। ये टॉपिक जो है इस पर कई बार आपके शॉर्ट में क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक वैसे ही छोटा है इसलिए हम शॉर्ट में ही देखेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको इसमें क्या क्या लिखना है या किस प्रकार से इस टॉपिक को आपको एलोबरेट करना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि विनिषेध क्या होता है या कॉन्ट्रोबैंड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके प्रकार और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं या उसका क्या परिणाम होता है, क्या रिजल्ट रहता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कॉन्ट्रोबैंड कवर्स एनी गुड्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ विच टू और फ्रॉम एनी एनिमी कंट्रीज प्रोहिबिटेड बाय द बिलिग्रेंट्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो विनिषिद्ध उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका शत्रु देश को पहुंचाना या शत्रु देश से जाना युद्धरत देश ने वर्जित कर दिया है। कॉन्ट्रोबैंड जो है यह भी एक युद्ध के दौरान की जाने वाली कार्रवाई होती है। इसका अगर हम डेफिनेशन देखते हैं या अगर इसको हम सिंपल भाषा में देखें तो सामान्य तौर पर विनिषिद्ध जो वस्तुएं होती है ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जिन्हें युद्धमान देश आपत्तिजनक समझता है क्योंकि उससे शत्रु देश को अधिक शक्ति से लड़ने में सहायता मिलती है। तो ये जो विनिषिद्ध जो है, ये जो वस्तुएं होती है, यह युद्ध के दौरान जो शत्रु देश होता है वह युद्धरत देश में कुछ वस्तुओं को वर्जित कर देता है जाने के लिए या उसका किसी भी प्रकार का आना जाना रोक देता है। और इसके रोकने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो ये माना जाता है कि अगर वो विनिषिद्ध जो वस्तुएं हैं अगर उस शत्रु देश के पास या युद्धरत देशों के पास पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में वह युद्ध में ज़्यादा शक्तिशाली रूप से पार्टिसिपेट कर सकता है। इसलिए उसको कमज़ोर बनाने के लिए कुछ वस्तुओं का आना व जाना उस देश में रोका जाता है। इसी को कॉन्ट्रोबैंड कहा जाता है। युद्धमान देशों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार यह अधिकार है कि वह युद्ध के दौरान विनिषिद्ध वस्तुओं को युद्धरत देशों के द्वारा रोका जा सकता है या पकड़ा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में यह अधिकार आत्मरक्षा के हित के लिए प्रदान किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत जो युद्धरत देश हैं वह एक दूसरे की जो विनिर्दिष्ट जो वस्तुएं होती है उन पर रोक लगाने के अधिकारी माने जाते हैं कि उसमें जो वस्तुएं हैं वह उस देश के पास न पहुंच पाए और वहां से कहीं और भी न जा पाए। इस पर रोक लगाने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय विधि ने युद्धरत देशों को दिया है। और ये युद्धरत देशों को जो ये अधिकार दिया गया है वस्तुओं को रोकने का और उनको पकड़े जाने का, वह इसलिए प्रदान किया गया है कि वह अपनी आत्मरक्षा कर सके या आत्मरक्षा के हितों की रक्षा कर सके। कॉन्ट्राबैंड तीन प्रकार के माने जाते हैं। फर्स्ट है आपका ऑब्सोल्यूट कॉन्ट्राबैंड, सेकंड है प्रतिष्ठित कॉन्ट्राबैंड। वैसे मेनली इन दो रूपों में ही इसको डिवाइड किया गया है, परंतु कई बार कुछ विधि शास्त्री हैं उन्होंने एक इसको नया नाम और दिया है या कुछ और दिया है, वो है फ्री आर्टिकल, स्वतंत्र वस्तुएं। फर्स्ट जो है पूर्ण प्रतिषिद्ध जो है ये सैनिक प्रकृति की कुछ वस्तुएं होती है, सैनिक प्रकृति के कुछ विनिर्दिष्ट वस्तुएं होती है जिन पर पूर्ण रूप से विनिर्दिष्ट किया जाता है। जैसे शस्त्र है, गोला बारूद है, शस्त्रों को आदान प्रदान करने वाले जो हथियारों को प्रयोग में लेने वाले जो गाड़ियां हैं या सैनिकों के द्वारा जो वस्त्र जो पहने जाते हैं, ये सारी जो वस्तुएं हैं ये सैनिक प्रकृति के अंतर्गत आती है और इन्हें पूर्ण विनिश्चित किया जाता है। सेकंड है आपका सप्रतिबंध कंडीशनल कॉन्ट्रोबैंड। इसमें है भोजन सामग्री है, ईंधन है, जैसे आपका कोई भी एडिबल आइटम्स हैं, फ्यूल्स हैं, ये जो है ये युद्ध में व शांति दोनों में ही प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें भी कुछ मामलों में जो है आपकी प्रतिषिद्ध जो है या जो प्रतिषिद्ध कॉन्ट्राबैंड जो है उन वस्तुओं के अंतर्गत माना जाता है। कुछ परिस्थितियों में उन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें स्वतंत्र वस्तुएं कहा जाता है, फ्री का आर्टिकल्स कहा जाता है, इन पर कभी भी रोक नहीं लगाई जा सकती है, इनको कभी भी नहीं पकड़ा जा सकता है। जैसे चीनी के बर्तन हैं, साबुन है, ये इस प्रकार की वस्तुएं हैं, इन्हें युद्ध के दौरान कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा और इन्हें किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती है।
नॉर्मली यह माना जाता है कि जो ये वस्तुएं पकड़ी जाती है या जिनके आने जाने पर रोक लगाई जाती है, ये या तो वो अपने देश में कर सकते हैं या खुले समुद्र में। वह युद्धरत देशों की वस्तुएं जो है, विनिर्दिष्ट वस्तुएं हैं, उनको पकड़ने के अधिकारी माने जाते हैं। परंतु जो तटस्थ देश हैं वहां पर, या उनका जो सामूहिक समुद्री पेटी है, उसमें वह इस प्रकार की किसी भी वस्तु को न तो पकड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगा सकते हैं। अगर युद्धरत देशों के द्वारा ऐसा किया जाता है तो यह तटस्थता का वॉयलेशन माना जाता है। अब जो वस्तुएं पकड़ी गई है, इनके पकड़े जाने का क्या परिणाम होता है? इट इज़ क्लियर फ्रॉम द प्रैक्टिस फॉलोड इन ब्रिटेन, अमेरिका एंड सर्टेन अदर कंट्रीज दैट सच गुड्स आर शिप्स आर प्रोड्यूस्ड बिफोर प्राइस कोर्ट एंड आफ्टर देयर डिसीजन द बेलिग्रेंट स्टेट कॉन्कर्ड एक्वायर्स ओनरशिप ओवर सच गुड्स एंड शिप्स। इसका जो परिणाम है, अगर इसको हम देखते हैं, तो ब्रिटेन, अमेरिका व अन्य देश जो हैं, जो इस प्रकार की विनिर्दिष्ट वस्तुओं को पकड़ता है या रोक लगाता है, उन्होंने, यह स्पष्ट होता है कि ऐसा सामान या जहाज सबसे पहले वो प्राइस कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और प्राइस कोर्ट यह निर्णय करेगा कि उन्होंने जिस सामान को पकड़ा है वह वैध रूप से पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। अगर प्राइस कोर्ट के द्वारा यह डिसाइड कर दिया जाता है कि उन कोर्ट्स के द्वारा इन्हें वैध रूप से पकड़ा गया है, तो उसके पश्चात पकड़ी गई जो वस्तुएँ हैं वह उस देश के स्वामित्व में मानी जाती है। अब जो, वैसे तो प्राइस कोर्ट आपका इंडिपेंडेंट टॉपिक माना है, परंतु फिर भी क्योंकि प्राइस कोर्ट, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्राइस कोर्ट जो होता है, यह एक राष्ट्रीय न्यायालय होता है और यह अंतर्राष्ट्रीय विधि को लागू करता है। तो ये डिसाइड करता है कि जो युद्धरत देशों के द्वारा विनिर्दिष्ट वस्तुओं को जो पकड़ा गया है, क्या उन्होंने वैध तरीके से उनको पकड़ा है। अगर वो ये डिसाइड कर लेता है कि हाँ, उनके द्वारा जो पकड़ा गया है वो वैध तरीके से पकड़े गए हैं, तो ऐसी स्थिति में पकड़े जाने वाली वस्तुओं पर जिस देश ने उसे पकड़ा है, जिस युद्धरत देश ने उसे पकड़ा है, उसका अधिकार हो जाएगा। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा हम करेंगे।